देश विदेश को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर कबीरचर मृत्यु मामला रे डीएफओ को क्लीन चिट देले गजपति एसपी तपन कुमार और एसपी ममता पंथा और रोशांक संपृक्ति को मध्य खंडन कले एसपी एबे प्रश्न अछि या आत्महत्या किए प्रवर्ताई थला कबीरचर को सपना को आसला सौम्य कहुपरा चिठी लिखिंट चाकरी छाड़ी तुम चाकर हो रही मत तुम पाद तले टे जगह दि प्रश्न विद्या एमती कहीं कहले सौम्य महाराष्ट्र में महाबन्या प्रकृति देखाइला कराल रूप रायगड़े भयंकर भूस्खलन में 36 मृत माटि तले एवं भी 30 अधिक जीवन उद्धार कार्य एनडीआरएफ हेलिकप्टर मुतयन अनुकंपामूलक राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री नवदिनात्मक यात्रा शेष कर नीलकंदर को बाहरी नीलाद्रीनाथ लक्ष्मी सांतानी को रसगोला खुआई कले मानभंजन निर्धारित तो समय सर चतुर्धामूर्ति महामारी भितर आरंभ है तो ग्रेटेस्ट शो अन अर्थ पूर्वपरि ना रंगारंग कार्यक्रम चमक ना दर्शकों कोलाहल महामारी जुगर संस्करण में सीमित खेलाड़ी और दर्शकों नहीं बाजी टोक्यो ओलंपिक 2020 बिगुल कार्यालय सीधा प्रसारण देखी भारतीय खेलाड़ी मनोबल बढ़ाए प्रधानमंत्री दूर होना कोविड विपद जदिओ परिस्थिति नियंत्रणाधीन तथापि आत्मसंतोष नुहे कोविड समीक्षा पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहले अधिक सतर्कता ही आमको सुरक्षित रखिबो संभाव्य तृतीय लहर सफल मुकाबला पाई समस्तक सहयोग लोड़िले नबे तृतीय लहर पाई प्रस्तुत थिबा कहले डीएमजी विवादियों बुधलिंग भापुर मामू भणचुआ खाई प्रसंग विधायक प्रणव बलवंतराय और जेई मामू नरेन जेना विरोध में आक्शन दाबी कर हाइकोर्ट जीव सिविल सोसाइटी संगठन सांबादिक सम्मिलनी में संगठन पक्षर सूचना अभियोग मामू भणचुआ को सुरक्षा देजिला महानदी ब्राह्मणी नागावली और ऋषिकुल्या समेत राज्यर 19 नदी नालर जलनुहे व्यवहार योग्य केन्द्र जलशक्ति मंत्रालय तथ्य सामना को आसवा पर राज्य सरकार को नदी जल परिचालना और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापन नहीं सृष्टि प्रश्नवाची विशेषज्ञ कहले राज्य सरकार सचेतन न हेले सृष्टि हेबो भयंकर परिस्थिति संपूर्ण खबर को एवं बुलेटिन आरंभ करवा वर्तमान से ही बहुत चर्चित खबर सौम्यरंजन मृत्यु मामल में डीएफओ को क्लीन चिट देते जिला एसपी तपन पटनायक डीएफओ को जेरा समय कौन से संपर्क नथिबा जना पड़ी एसपी एही सूचना देते कल सीजीआरपी डीएफओ को संप्रक्ति नथिबा कहते एसपी सामना को आसीथिबा समस्त चिट्ठी विद्या भारतींकर बोली जेरा समय जना पड़ीथिबा एसपी कहते जदि सौम्यंक मृत्यु आत्महत्या तेबे तांको आत्महत्या करिबा पई प्रवर्तवा पछरे कहार बड़ भूमिका थिला पूरा घटना रे डीएफओ भूमिका को नहीं बड़ संदेह सृष्टि होइछे कारण सौम्यंक परिवार लोके पूर्वर अभियोग करथिले सौम्यंक हत्या करा जाइछे एथिपाई विद्या और डीएफओ आड़ को अंगुली उठा जाइथिला सौम्यंक मिलेमिशे मारिदेइथिबा कथा कहिथिले सौम्यंक बापा मा डीएफओ सहित विद्यांकर अनैतिक संपर्क कथा मध्ये कहिथिले तेणु केउटना केउटी एहा पूरा घटना रे विद्या और डीएफओ बड़ भूमिका रहिथिबा नै संदेह उपजुछे बाबतर अधिक सूचना पर आम सहित सीधासल जोड़ रही आम प्रतिनिधि संतोष चेना संतोष जहाँ को नहीं सन्देह उपजुच्छे कहीं पूर्व कहुला गोटेपटे जे पुलिस जितेबाला कला जे से रूम्रे हत्या करे रूम्रे पोड़ हो मरी ना कथा सामना को आसला आज एठार ही से आत्महत्या कर गोटे बड़ कथ आसूँ डीएफओ भूमिका को नहीं पूर्व कहगला डीएफओ भूमिका रही अभियोग कराला कितु एवं कथ आसूँ डीएफओ कौन सी भी भूमिका ना देखो निश्चित माधुरी डीएफओ भूमिका थिवा कथा तांको बापा मा अभियोग आणले एवं पुलिस तदंत कर सारिबा परे एक कथा पूरा स्पष्ट करिछि उभय मौखिक एवं वैज्ञानिक तथ्य प्रमाण मध्य पुलिस हाथ में लागिछि
जो तथ्य प्रमाण आधार में डीएफओ को क्लीन चिट दिखाई और एसपी तपन पटनायक निजे स्पष्टतार सहित कहते सी कोर्टे जथेष तथ्य प्रमाण देवे या भितर अन्य एक प्रसंग आसूँ प्रथम साइंटिफिक टीम जिते आसा लोकाल आईओजी अच्छा विवेकानंद स्वाई अर्थात पालाखेमुंडर आईआईसी सी क्राइम स्पॉट को ठीक भाव में चिन्हट कर पारे जो कि सौम्यरंजन बापा माँ डीजीपी और पीसीसीएम को भेटा पर क्राइमब्रांचर एक स्वतंत्र टीम तदंतकारी अफिसर को साहय करने जो मैंने घटनास्थल में पहुंची तदंत करने कहले क्राइम स्पॉट ही सौम्यरंजन सरकारी क्वार्टर केवल से नुहे डीआईजी जिते बड़े क्राइम स्पॉट विजिट कले से कथा मोहर लगे मौखिक जेरा सहित पड़ोसी को पचराउचरा पूरा सीडीआर कल रेकर्ड डीएफओ जांच कर सारा पर विद्या भारती सहित कौन संपर्क ना सौम्यरंजन मृत्यु सहित कौन संपर्क ना कथा जिला एसपी पूरा क्लीन चिट देती यापर अन्य प्रसंग सामना को आसला जे डीएफओ सहित रोसेया सहित जे ममता पंडा जे अच्छा एम विरोध में अभोग आसला द्वितीय रही डीएफओ विद्या भारती वर्तमान जिला एसपी जो सूचना देखते डीएफओ सहित रोसेया और ममता पंडा ये समस्त को क्लीन चिट दिखाई अभोग रही विद्या भारती ना विद्या भारती को नहीं बर्तमान तदंत चली आगामी दिन में तदंत जो दिग दे जो भिन्न भिन्नता तदंत पर हम एक पूरा पुलिस स्पष्टीकरण रख सबुठ बड़ कथ जे वर्तमान समय गोटे चर्चा है जदि सौम्यरंजन निज देह किरोसिन ढाली आत्महत्या करिए प्रवर्ताई बापा माँ कहले से संतुष्ट नहांती ये घटना को नहीं सेने हाइकोर्ट जी और पूरा तदंतर शेष निष्कर्ष बाहर पर्यंत से पुअर न्याय लड़े लड़ई करेंगे और पुलिस तदंतर से संतुष्ट नहांती हाइकोर्ट में अपिल करती एक पूरा स्पष्ट भाव में सामना को आसे रहा विद्या भारती कथा और विद्या भारती को नहीं आगामी दिन में पुलिस ये संपर्क में कौन प्रतिक्रिया रखी और विद्या भारती संपर्क में जे जो चिट्ठी सब सामना को आसूसी जोटी जन स्वामी को असभ्य भाषा में गाड़ी गुलज कराई और कि भाव में डिवोर्स ना चेष्टा कराई अपर पक्ष में सौम्यरंजन चिट्ठी जो सामना को आसूसी से धर्मपत्नी को अत्यंत भल पाता और शेष मुहूर्त पर्यटन सहित संपर्क रखा जोड़ा चाहूल या कथ गोटे स्पष्ट जो उभयों भितर मनमाली पारिवारिक समस्या था झगड़ा था यह सब कथ प्रमाण कर चिट्ठी और आगामी समय जी तदंत के दिग दे विद्या भारती संप्रुक्ति कौन आसवि तृतीय व्यक्ति या पचर अच्छा कि आउ क्या संपर्क में पुलिस जोड़ब कि अथवा या पचर आउ कार तथ्य प्रमाण सामना को आसो कि अपेक्षा कराई माधुरी संतोष से सबूर अपडेट आसो जितेबले कि तदंत आहरी आग को जीव तदंत सठिक दिगरे जीव से ये सबूत परदा हटि पार कि गोटे बड़ प्रश्न आसूरी जी दस दिन हम डीएफओ को जेरा करा एसपी तरफ डीएफओ को क्लीन चिट दि जाऊँगी कितु गोटे बड़ प्रश्न आसूरी जे डीएफओ को जिते क्लीनचिट जो दि जा सारी डीएफओ को एत दिन धरी जेरा कर आज जेरा करा सीधा सीधा कहगला कि कौन संप्रति ना प्रकृत या तो सहजे ग्रहण कर देखो तदंत अधिकारी जिते तदंत करेंगे ये हूँ व्यक्तिगत कथा और ये पावर हाथ में अच्छी से केबे कहा तदंत करेंगे केबे कहा चेरा करेंगे केबे कहार सीडीआर डिटेल्स मगेबे समान प्रसंग में एक कथा आई प्रथम कथा हूँ विद्या भारती रोसेयापर थे डीएफओ और शेषर थे ममता पंडा और ममता पंडा जिला एसपी पाखे पूरा स्पष्टीकरण रखिले विद्या भारती माँ फोन करते मानविकता दृष्टि से आसी जोग देते पूरा एसीबी मेडिकल रेफर हवा पर्यटन भूमिका था एक से स्पष्ट कले द्वितीय कथा हूँ जो रोसेया को प्रथम तदंत करापर विद्या भारती को तदंत करमती विद्या भारती विषय में अभोग विषय में सौम्यरंजन बापा माँ को जेरा करा लास्ट कथा था डीएफओ और डीएफओ तदंत को नहीं बोध हुए सन्देह उपजुला पुलिस कौन सी भाव में अहेतुक अनुकंपा देखे पारते कहीं क्षमताशील क्षमता संपन्न व्यक्ति विरोध में कौन प्रकार कार्यानुषान ना बोध हुए पुलिस साहस जुटे पारे कि पुलिस कौन प्रकार काम कर पारे जो कि जिला जो डीएफओ विरोध में अभोग आसला सीडीआर कॉल रेकर्ड जो मांगा जिला एसपी से कथार उत्तर रखिंट जो थे सीडीआर कॉल रेकर्ड आसापी समय लगुला और सीडीआर कॉल रेकर्ड आसी सारापर मौखिक जेरा करापड़सा लोक पचराउचरा करमती वन विभाग कर्मचारी को किसी तदंत में सामिल कराई मधुरी निहाती अभी बहुत बहुत धन्यवाद जनइबे संतोष आप तमाम अपडेट पर कि गोटे बड़ प्रश्न आसूँ जिते सौम्य को एत दिन पर जेरा करा एवं क्लीन चिट दि जाऊँच एसपी तरफ तो कौन दिग जाऊँगी आग को तदंत के बाट को जाऊँगी तो तापर समस्त नजर रही है कि बर्तमान आसतु शुणा जिला एसपी कौन रही प्रतिक्रिया
तांकर जो मृत्यु जो विषय अच्छी से आउ टे अधिक तदंतर आवश्यकता अच्छी आम तदंत सर मुझे कथा रख हाँ मुझे आपको सूचे दूची जे ममता पंडा तांकर कहवा कथा जे ममता पंडा को गोटे फोन आसला से परिचय दे डिस्टेंट रिलेशन एवं सी होती आमर विद्याभारती माँ से डिस्टेंट रिलेशन अच्छा नुआ मैरेज होता जो डिस्टेंट रिलेशन बा रिलेटिव से फोन करते एमती हजबैंड एम पढ़ी जाइंट हस्पिटाल अच्छा जाइ देखापी कहीं से एकाकी थे और जितेबाड़ी रिक्वेस्ट को लेकर मानविकता दृष्टिकोण से रिलेशन जो सी आसिक हस्पिटाल पहुँची तापर हस्पिटाल पहुँचा सहित रही सहित नहीं घर को जाइंटर और जो जिनपत आसला परे तंकु संगरे धरिकरी से गाड़ी तंकु बसैचंती सौम्यरंजन जो मृत्यु मुझको कही रखी जे आमर तदंतर निष्कर्ष आसी नहीं निष्कर्ष आसला परे मु आपन को अपन जणे रही प्राथमिक तदंत जणा पला जे डीएफओ सुनंतु वर्तमान सुधा जहां सुनंतु सुनंतु आपन जो जिनस कहचंती सेथिपाई आहुरी तदंतर आवश्यकता अच्छी अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आसिला परे आमे तापर जैक एविडेन्स आकु आम कलेक्शन कर सारापर ही आम तापर मतामत दे पारे शुणु डीएफओंर कथा थिला जे डीएफओंर तांक सहित संपर्क थिला आमे पाख पड़ोशी लोक सहित जीक आम पचारि सारी प्रायत समस्त पचारि सारी पाख पड़ोशी कौन सी जो मानने डीएफओ घर को आसवा केही केबे कहु नांती केबे तांगो घर को आसी नांती सुनंती एटा गोटे तदंत भुक्त चली छे एवं तदंत रे मते आज डकेइतिले हमर एसपी सर थिले एडीपी सर थिले क्राइम ब्रांच रो जो सर माने अछंती थिले से माने थिले पल्लाकुंडी आईएससी सर थिले से मानक आगरे मोर जहा कहिबारे कथा थिला आ जहा हेई छे घटना मु से मानक आगरे मोर बयान देई सारछी से मानक आगे मोर बयान दे सारी आपण मैंने जदि आमको कोऑपरेटिव करेंगे तदंत अंतर्भुक्त अच्छी से आपत ये न पचारे आम बहुत सी गोटे कथा आम कह तदंत आपने साय्य करने को चाहते से विषय में न पचारे आपण मान भल मोर बयान दे सारी जहाँ कह कथा मोर उपरिस्थ अफिसर मान आयो आगे समस्त आगे मुझे सारी आपरे बुझे सेकेंड थिंग हूँ आम गोटे गवर्नमेंट सर्वेंट आम क्या आगे आम मानने जो सुपेरियर अच्छा से मैंने हीपरि आम ताकि सामना को आसला सौम्य कोहबरा चिठी लिखिंट चाकरी छाड़ी तुम चाकर हो रही मत तुम पाद तले टे जगह दि प्रश्न विद्या कहीं कहले सौम्य चाकरी रु इस्तफा देवी मु तुमर चाकर हो रही किंतु मते तुम पाद तले टिके जगह दियो पारला खेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु 11 दिन पर सामना को आसी सौम्यों एभली चिठी विद्या भारती उद्देश्य एभली लिखिंट सौम्य केवल एतिक नुहे आउ किसी पृष्ठा आहरी किसी लिखा जा तुम क्वालिफिकेशन चाहे ना मुझे भी ए बाबद तुमको किसी भी कहीना मुवल चाहे तुम्हें मोर पत्नी और जड़े भल बंधु हो रुह 2021 फेब्रुआरी 22 और 23 तारीख में सौम्य डायरी में यह सब कथा लिखिंट गोटे पटे विद्या चिठी घृणा करुवा बेले सौम्यों प्रेम अनेक प्रश्नवाची छिड़ा कर पूर्व विद्या भारती दुईट चिठी मिल सारी प्रथम चिठी में क्षोभ द्वितीय चिठी में क्रोध रही द्वितीय चिठी सौम्यों विरोध में विषोदगार करते विद्या कहते हे भगवान किसी भी कर डिवोर्स कराई दि प्रभु तुम पाखे ऋणी रही जाकि पूरी मंदिर रे दासी होइकि रही किसी भी करी प्लीज डिवोर्स कर दियो बुधवार मध्य सौम्यों सरकारी बासभवन एमती एक कमला रंगर चिठी मिलता गणमाध्यम विद्या सौम्यों भल संपर्क कहता बेले चिठी में एमती घृणा विद्या डबल स्टांडार्ड को सामना को आनी चिठी स्पष्ट हो दुईं वैवाहिक संपर्क भल ना तेरे प्रश्न उठू गोटे पर गोटे चिठी आसूची क्योंठ कई जाणीशु चिठी सब भाइराल करना तो चिठी में विद्या घृणा करुवा बेले सौम्य निजक समर्पित करदे कहीं
ବାଲିଲାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାବନ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଛି କରାଳ ରୂପ। ରାଜ୍ୟର ରାଇଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ 36 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଟି ତଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜୀବନ ରହିଛି। 40 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୁଲାଇ ବର୍ଷା। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଲା ସମୁଦ୍ର, ବସ୍ତି ପାଲଟିଲା ନଦୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଇଗଡ଼ରେ କାଳ ହୋଇ ଆସିଲା ବର୍ଷା। ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ରାଇଗଡ଼ର ମହାଡ ତହସିଲରେ 36 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF ଟିମ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 10 ଜଣ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପରି ସତାରାରେ 2 ଭୂସ୍ଖଳନରେ 22 ଜଣ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 NDRF ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟା ପାଣି ଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୋଙ୍କଣ ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 6,000 ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଓ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ NDRF ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏହି ପୁରାତନ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଚଳିତ ଥରର ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଶାର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। 127 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳର ଏଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ଦୂତୀଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଦେଖାଇବେ ଯାଦୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୋକିଓ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲମ୍ପିକ୍। 349 ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ମହାସମର। 127 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଦେଖାଇବେ ଯାଦୁ। ମହାମାରୀର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲମ୍ପିକ୍। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଚଳିତ ଥରର ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଶାର ଅଲମ୍ପିକ୍ ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଲମ୍ପିକ୍ କରୋନା ସଚେତନତା ଭିତରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପଦକ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତା ଓ ସମ୍ମାନର ଏକ ଉତ୍ସବ ଯାହାକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ। ଚଳିତ ଥରର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 200+ ଦେଶ ପାଖାପାଖି 11,400 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ବା ନୋଟ୍ ଦେଇ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯେପରି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ବା ବ୍ରିଟ୍ କଏନ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି କାରବାର ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସାଇବର ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କଠାରୁ
ଏହି କରେନ୍ସି କାରବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ଏବେ ଘରୋଇ ଭାବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ବୈଦେଶିକ କାରବାର ପାଇଁ ରହିଥିବା ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଖନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଖସିଯିବା ପରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତ ସୀମାର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୀମାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଇ ତୈବା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ଯୋଜନା କରୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜମ୍ମୁରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ଜୁନ୍ 27ରେ ଜମ୍ମୁ ଏୟାରବେସ୍ରେ 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପରେ ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ଆସିଛି, ଯାହା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି। ये देखिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ये काम हुआ है और जो हमारी पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। पहले भी कोशिश की गई थी कि ड्रोन को मार गिराया जाए लेकिन इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हम कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आईडी जिसको जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था उसको हम रोकने में कामयाब हो गए। ये आईडी पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं थी लेकिन असेंबल्ड थी। उस पर एक्टिवेट करने के लिए कुछ तार को जोड़ना पड़ता, वो प्रोविज़न उसमें है। तो ऐसा लगता है कि वो ड्रोन के ज़रिए कहीं गिराते और फिर कोई और उसको उठा के ले जाता और आईडीज़ को प्लेस करता। अभी हमें बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो धागे जो स्ट्रिंग्स जिसको यूज़ उन्होंने किया है जो पेलोड को ड्रॉप करने में, ऐसी स्ट्रिंग्स की कुछ पीसेज वहां मिले थे जम्मू एयरपोर्ट पे जब वहां पे आईडी गिराई गई थी। एथरो भूकंप भले प्राकृतिक विपर्जय मुकाबला रे भारत को मिलबो अधिक सफलता। चलित वर्ष डिसेंबर सुधा देश रे कार्यक्षम हेबो 35 नुवा भूकंप अध्ययन तथा पर्यवेक्षण केन्द्र। ए बाबदे शुक्रवार दिन लोकसभा प्रकाश करिसेंते केन्द्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या तथा भूविज्ञान राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सूचना अनुसार आगामी डिसेंबर सुधा देशर नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क बा एनएसएन 150 को वृद्धि केवल से नुहे, आगामी 5 वर्ष आहरी 100 भूमिकंप अध्ययन केन्द्र स्थापन कर लक्ष्य रखाई, जहां विभिन्न समय देशर विभिन्न भाग में होता भूमिकंप को सठिक भाव में मपा जाइ एवं सरकार उपयुक्त समय विपर्जय परिचा सक्षम हो पारे। एसबू केन्द्र द्वारा 2.5 मैग्निट्यूड्र भूमिकंप सहजे मपा जाइ जमापड़। ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର 2ଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ 21 ଦିନ ଡିଆର୍ଡିଓ ତରଫରୁ ଆକାଶ ମିଜାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଆକାଶର ମିଜାଇଲ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆକାଶ ମିଜାଇଲ ବା ଆକାଶ ଏନ୍ଜି ସର୍ଫେସ୍ 2 ଏୟାର ମିଜାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କରାଯାଇଛି। 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭେଦ କରିପାରିବ ଏହି ମିଜାଇଲ। ଜୁଲାଇ 25 ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଇସିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର 2021 ଦଶମ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। 24 ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଉନ୍ସିଲର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କାଉନ୍ସିଲର କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ 1 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ।
आसिया परवर्ती खबर को सरिला महाप्रभुंक घोष यात्रा बार दिन लीला खेला सारी रत्नवेदी को बाहुड़े कालिया सांत रथारूढ़ चतुर्धा मूर्ति गोटे पहंटी रत्न मंडप को विजय करिछंती। प्रथमे देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र रथर ओई रत्न मंडप को विजय करते शेषे कालिया ठाकुर नंदीघोषर गोटे पहंटी श्रीमंदिर को विजय करीलाद्रि विजय पर आज श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष स्वतंत्र नीति निर्घत स्थिर होता अपराह साढ़े गोटाए साढ़े तीनटा भितर तीन रथर चारबंधा सर साढ़े तीनटे सिंहासन माछण करपराह चारिटे पहंटी आरंभ कर राति नौटा सुधा पहंटी शेष होगा नीलाद्री विजय नीति संपन्न कोविड गाइडलाइन अनुयायी समस्त नीतिकांति संपन्न दिव्यांग युवती अंतस्वता कर लुगा व्यवसायी अटक अभियोग रखुनला पुलिस अनलाइन रे अभियोग परे पुलिस तदंत आरंभ यह संगीन अभियोग खोर्धा जिला बेगुनिया अंचल बेगुनिया थाना सम्मुखें लुगा दोकान कर धानघर नुआ गाँव त्रिनाथ प्रधान जड़े भिन्नक्षम युवती सहायतार हाथ बढ़ावा नाँ से मसक 2000 टकर गत 2019 जून मसने निजुक्ति देते कौन पारिश्रमिक बेले घर एकाकी रोथार सुजोग नहीं जोर जबरदस्त शारीरिक संपर्क रखुते शेषे दुकान छाड़ी घरे आश्रय नवा सहित इन 2021 मसीह जून मस 21 तारीख में बेगुनिया थाना अभियोग करते अभियोग न रखि पुलिस फेरता पर पीड़िता जनक चलित मस 19 तारीख में अनलाइन अभियोग कर भिन्नक्षम युवती अभियोग पत्र सहित भिन्नक्षम एवं अंतस्वत्ता प्रमाणपत्र दाखल कर नवेदन करते बेगुनिया थाना अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद शतपथी मतामत नेबारे भिन्नक्षम युवती थाना को आसी अभियोग करना किंतु अनलाइन रे अभियोग पाइबा परे थाना मामला रे मामला रुजु करबा सहित संप्रुक्त लुगा दोकानी त्रिनाथ को थाना रे अटक रखी अधिक तदंत चलाछे। अभियोग पाइथु से सगनाथ रे हमर थाना बिगुना थाना केस नंबर 140/21 हम रजिस्ट्रेशन करिछु वर्तमान से अभियुक्त जे त्रिनाथ प्रधान 48 बर लोक तक थाना रे डिटेल करिछु तार से मेडिकल एग्जामिनेशन करा जइबो समय सरी बुलेटिन कोई रखुच नमस्कार।